भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर कोर्ट परिसर में तनाव देखने को मिला है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वकीलों का एक धड़ा मूर्ति को वापस स्थापित करने की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। जिला बार एसोसिएशन के हॉल में शनिवार को स्थापित की गई थी ये प्रतिमा और रविवार देर रात प्रतिमा को हटा दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला कोर्ट ने मूर्ति हटाने के निर्देश दिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता गब्बर सिंह ठाकुर पुल लाइन पर जुड़ गए। गब्बर, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से मूर्ति हटाई गई है, यहाँ के जो एडवोकेट है, एडवोकेट का कहना है कि नाइट में जो मूर्ति रखी हुई है, रात सवा दो बजे मूर्ति को हटा दिया गया है। परंतु हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो मूर्ति को हटाया गया है, उसी को लेकर के अब दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं वकीलों के और जिला कोर्ट में ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया है और दोनों गेटों पर पुलिस लगी हुई है, अंदर भी पुलिस लगी हुई है। जो तीसरा नंबर का गेट है पीछे साइड का कोर्ट का, वहाँ पर भी पुलिस लगी है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि पुलिस भी अपनी पूरी मुस्तैदी में सुरक्षा को लेकर के लगी हुई है। तो वही दूसरी ओर जो वकील है, वकील भी आंदोलन करने के लिए आज तैयार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गब्बर।